उज्जैन में सिंह कुंभ का श्रद्धालु आज पहला शाही स्नान करेंगे, जिसमें 13 अखाड़ों के साधु नवन घाटों को डुबकी लगाएंगे। उज्जैन में शुरू हुए कुंभ के पहले दिन साधु श्रद्धालुओं ने शिप्रा नदी में स्नान किया, ईश्वर की पूजा अर्चना की। तमिलनाडु के मदुरई में वार्षिक चित्रोत्सव की धूम, लोग भारी संख्या में महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। विश्व पृथ्वी दिवस आज मनाया जा रहा है, साथ पृथ्वी दिवस की थीम है ट्री फॉर द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के लिए पेड़। टाइम मैगजीन की दुनिया में 100 प्रभावशाली हस्तियों की सूची में भारत से रघुराम राजन, साना मिर्जा, प्रियंका चोपड़ा, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, फ्लिपकार्ट के संस्थापक बिन्नी बंसल और सचिन बंसल के नाम शामिल। और आपने गुरु श्री रविशंकर ने अहम बयान दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने आतंकवादी संगठन आईएस से शांति वार्ता शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मुझे एक व्यक्ति के साथ कथित शख्स की तस्वीर भेजकर वार्ता का अंत कर दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग में विधानसभा उपचुनाव चलने पर महबूबा सरकार पर निशाना साधा, कहा कि चुनाव का न होना सरकार की घबराहट को दर्शाता है। दिल्ली में गृहमंत्री राजनाथ सिंह अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव के आखिरी दिन बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुष मंत्री श्रीपाद येसो करेंगे। पूर्व महिला सहकर्मी के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों में पर्यावरणविद आरके पचौरी को चरी ने अपने संचालक परिषद की सदस्यता से हटा दिया। कांग्रेस मामले में ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखकर टेलीकॉम कंपनी को खड़ी खोटी सुनाई है, तो वहीं ट्राई की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि टेलीकॉम कंपनी जमकर कमाती है लेकिन इन्वेस्टमेंट होती नहीं है। आरपी के 15वें मुकाबले में हैदराबाद ने गुजरात को 10 विकेट से रन दिया, धवन और वॉर्नर की आपसी पारी और परमेश्वर कुमार के 4 विकेट के चलते हैदराबाद दर्ज की आईपीएल में लगातार दूसरी जीत। उत्तराखंड मसले को लेकर शिवसेना सामना में केंद्र सरकार पर निशाना साधा, सामना ने लिखा है केंद्र सरकार का वस्त्रहरण तो हुआ ही है, राष्ट्रपति की वरिष्ठता भी धूमिल हुई। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश दिया गया है, नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र के राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को खारिज कर दिया, 27 मार्च को लगातार राष्ट्रपति शासन। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, पूर्व सीएम हरीश रावत ने हाईकोर्ट को राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब हरीश रावत को 29 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट से गुजरना है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हरीश रावत देर रात कैबिनेट की बैठक बुलवाई, जिसमें बीएस टीचर्स के लिए फैसले में कोई बदलाव नहीं किया गया, साथ ही राहत महाविद्यालय के गठन सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कोर्ट के फैसले पर हरीश रावत ने कहा कि हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, फैसले का सम्मान करते हैं, वक्त जश्न मनाने का नहीं, ये वक्त है राज्य के प्रति अपनी कर्तव्यों को निशाना निभाने का वक्त है। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी ने बजट को पास नहीं होने दिया था, उत्तराखंड में दलबल करवाया गया, फैसले से उत्तराखंड को मरहम लगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे राज्य के उत्तराखंड के शरीर पर जो 4 गहरे घाव लगे, एक तो सत्ता और धन बल से दल बदल करवाया गया। हरीश रावत बोले, राज्य से सहयोग होना सीखे मोदी सरकार, मैं भी कहना चाहता हूं हमने इस अध्याय को भुला दिया और मैं केंद्र से अपील करता हूं कि हमारे साथ विकास में सहयोग करें। विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि अब भी वो राज्य के साथ सहयोग करें तो हम इन घावों को कुछ सीमा तक हम इनको भी भूलने का प्रयास करेंगे, ये मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 29 अप्रैल को जब मजबूत बहुमत पेश किया जाएगा तब साबित हो जाएगा कि हरीश रावत अल्पमत में, हरीश रावत के पास संख्या बल नहीं है। कह रहे हैं कि हरीश रावत अल्पमत में है, 29 तारीख को भी ये सिद्ध होगा कि वो अल्पमत में है, इसलिए हमें कोई किसी बात का चिंता भी नहीं है। हम 29 तारीख को सिद्ध करेंगे कि वर्तमान हरीश रावत जी जो मुख्यमंत्री थे वो कल भी अल्पमत में थे, आज भी अल्पमत में है, 29 तारीख को फ्लोट। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्य स्वामी बोले, अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल को बदला जाए तो सरकार का पक्ष ठीक से रख नहीं पाए हैं, क्योंकि हमारी जो अटॉर्नी जनरल हैं और सॉलिसिटर जनरल हैं, इनका जो तर्क है वो बिल्कुल फीका था और लगता था कि उन्होंने कुछ तैयारी भी नहीं की थी। तो मैं तो चाहता हूं कि नया अटॉर्नी जनरल और नया सॉलिसिटर जनरल को अपॉइंट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो प्रेसिडेंट रूल की सिफारिश दी वो बिल्कुल गलत था, वो गैर संवैधानिक था।
अभी उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने इसको रिवर्स किया, जो उचित कदम है, जो सही फैसला है। मुझे लगता है कि फैसला सही नहीं है। राष्ट्रपति का जो आदेश था वो बहुत साउंड था, लीगल था, कॉन्स्टिट्यूशनल था। अब हाईकोर्ट ने फैसला दिया है तो मैं तो केंद्र सरकार को राय दूंगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे आदेश की समीक्षा करे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा, वो सर्वमान्य होगा। हाईकोर्ट का जजमेंट कोई अल्टीमेट जजमेंट नहीं है। हाईकोर्ट के जजमेंट की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी डबल बेंच से लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक की पूरा एक लीगल चैनल है, तो उस चैनल पर किसी भी हद तक जाया जा सकता है। आजाद भारत के इतिहास में जितना मेरा ज्ञान है, 40-41 साल मुझे विधायी जीवन में हो गए हैं, तो आजाद भारत के इतिहास में पहला मौका है, इतिहास रच गया। नैनीताल हाई कोर्ट वर्षों तक कोर्ट किया जाएगा विभिन्न न्यायालयों में। उत्तराखंड मामले को लेकर दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठक हुई। बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नृपेंद्र मिश्रा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हरीश सालवे, सीनियर लॉयर और गृह सचिव मौजूद रहे। बिहार के पूर्वी चंपारण में केंद्रीय मंत्री राज सिंह ने भारतीय बयान देते हुए कहा कि आज राज्य में सनातन लोगों की संख्या घट गई है, यदि हिंदू समाज नहीं चेता तो वो दिन दूर नहीं जब यह देश पाकिस्तान बन जाएगा और हमारी बेटियां घरों में कैद होकर रह जाएंगी। आठ राज्यों में सनातन का जनसंख्या गिर गया। अगर हिंदू समाज अगर अपने आप को नहीं चेता, फिर हम पाकिस्तान की तरह, हमारी बेटियां स्कूल नहीं जाएगी, वो घरों में दुखी रहेगी, हम घर से निकलने नहीं देंगे कि हमारी बेटियां और सुरक्षित है। कमराल के समय में मुख्यमंत्री जयललिता की एक जनसभा के दौरान एक व्यक्ति की गर्मी से मौत हो गई। इस दौरान मची भगदड़ से एक और व्यक्ति की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर सरकार के दरबार अब श्रीनगर में लगेगा। सरकार ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर जाने की तैयारी कर ली है। शीतकालीन जम्मू में 29 अप्रैल से दरबार बंद करने के आदेश जारी हुए। 9 मई से ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में कामकाज शुरू हो जाएगा। चेक बाउंस होने के मामले में विजय वाले को कोर्ट ने दोषी करा दिया। जेवाल हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 50 लाख के 2 चेक बाउंस होने पर केस दर्ज कराया था। विजय माल्या को 5 मई को सजा सुनाई जाएगी। बैंकों को कर्ज का देश से फरार हुए विजय माल्या को रिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय ने विदेश मंत्रालय को है। अयोध्या में वीएचपी समर्थित 84 कोसी परिक्रमा को लेकर महंत गया दास ने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वी की परिक्रमा रामी से प्रेरित है, साथ ही साथ परिक्रमा की समाप्ति की टाइमिंग गलत है। विप ने आरोपों का खंडन कर दिया है। रायबरेली में विधायिका की गला घोटकर हत्या करने का मामला सामने आया। उन्होंने मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मृतका के पति, उसके परिवार वालों पर मामला दर्ज किया। फतेहपुर में कंपटीशन की तैयारी कर लड़की कमरे में शव मिले से हर कंप मचा। पुलिस के अनुसार हत्या के शव पर चोर के निशान, वही पुलिस इसे हत्या का मामला करा रही है। मुजफ्फरनगर में फार्मा उस मालिक से मजदूरी के पैसे मांगने आए मूक बधिर मजदूर पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे मजदूर का हाथ, उसकी उंगलियां कट गई। पीड़ित के परिजनों ने आरोपी सलीम पर मजदूर को बंधक बनाने का आरोप भी लगाया है। वैशाली में शादी समारोह में बिरयानी कम के फंडे से दो पक्षों में खूब मारपीट हुई, जिससे दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हुए। मौके पर पुलिस पहुंची, जख्मी को अस्पताल में एडमिट किया गया। शाहपुर में बिजली चोरी पर हुई कार बखला, हथियार बंद दमंगों ने जूनियर इंजीनियर की लात घूस से जमकर बिठाई कर दी, मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों पर मामला दर्ज किया, जांच शुरू की। अलीगढ़ के जिला अस्पताल में मरीज युवती को डॉक्टरों द्वारा मेडिकल कॉलेज में रेफर करने से गुस्साए परिजनों ने वार्ड में जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद गुस्साए डॉक्टर्स और स्टाफ लोगों ने काम बंद कर हड़ताल की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत किया। लखीमपुर गिरी के गांव चतौरा में अचानक आग लगने से गांव के 250 घर जलकर स्वाहा। वहीं सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां न पहुंचने पर ग्रामीणों को लाखों का नुकसान हुआ। महाराष्ट्र से लेकर यूपी के बुंदेलखंड तक लोग जहां पानी की बूंद बूंद तो तरस रहे थे, वहीं बहराइच में जल ही जीवन है का नारा बुलंद होता हुआ पानी का टैंकर रोड में पानी बर्बाद कर रहा है। आप देखिए तस्वीरों को। सहारनपुर में एसएसपी के थाने में निरीक्षण के दौरान थाने की पुलिस की पोल खुली। जब एसएसपी ने पुलिस सिपाहियों से अस्त्रों को लोड अनलोड करने को कहा तो पुलिस वाले अपनी बगलें झांकने लगे। बलाई में सदर आपका कैदी को राज करने अस्पताल जाने के बाद सिपाहियों ने इसे जिला अस्पताल खुलवाकर भर्ती करा दिया। इसके बाद एसपी ने मामले की जांच किया, जिम्मा बड़े अधिकारी को सौंप दिया है। अलीगढ़ पुलिस ने 3 दिन से घर में भागे एक प्रेमी जोड़े को बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि प्रेमी 12वीं का छात्र है, प्रेमिका 10वीं की छात्रा है, तो पुलिस इस मामले पर नियम अनुसार कार्रवाई करने की बात कर रही है।
मुजफ्फरनगर में अभिनेता सलमान खान की फिल्म सुल्तान की शूटिंग के दौरान हजारों समर्थक जुटे सलमान को देखने के लिए। सुरक्षा के इंतजाम इस बीच चाक चौबंद रहे, किसी को सलमान से मिलने नहीं दिया गया। लखनऊ बहराइच हाईवे पर तेज रफ्तार कार थानेदार की सड़क किनारे खड़ी गाड़ी से गिर गई। हादसे में कार सवार 3 लोग जख्मी, अस्पताल में भर्ती। गोरखपुर में अज्ञात बहन वाहन में होमगार्ड को मारी टक्कर, हादसे में होमगार्ड की मौके पर मौत हुई। कैन थाना क्षेत्र के रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय के सामने प्रदूषण हादसा हुआ है। आगरा में भीषण गर्मी ने केवल इंसान बल्कि बेजुबान भी परेशान से है। इसी के चलते भालू संरक्षण गृह में भालू को खाना बदल दिया गया, उन्हें मौसमी फल दिए जा रहे हैं ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल पाए। बुलंदशहर के फैसलाबाद इलाके में सगे बेटों ने अपनी ही मां को सिंदा के हवाले कर दिया। गंभीर हालत में मां अस्पताल में भर्ती, विवाद संपत्ति को लेकर था। एक बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया, दूसरा फरार। फरुखाबाद में 11 जनपदों का इज्तिमा का आयोजन किया गया। गर्म मौसम के लिए 25,000 से ज्यादा लोग इबादत के लिए पहुंचे, जहां इबादत के लिए खासी इंतजाम किए गए। फरुखाबाद में हजरत अली की यौमे पैदाइश के मौके पर शानदार जुलूस निकला। जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ आगे बढ़ा, यात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत। लखनऊ में प्रशांत किशोर ने बैठक में कमजोर और ताकतवर प्रत्याशियों के बारे में चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष नवीन खत्री ने बताया कि पंचल संगठन के साथ बैठक में ब्लॉक और तहसील स्तर की समस्याओं को सुना जाए। फरुखाबाद में कार्यकर्ताओं की फौज खड़ा करने में जुटी कांग्रेस पार्टी। यूपी के सह प्रभारी जुबैर खान ने बताया वे चुनाव से पहले पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में 40-40 कार्यकर्ता तैयार करेगी। मुरादाबाद में सपा नेता यूसुफ मलिक के भाई आरिफ मलिक पर भोजपुर थाने में तनाव एक दारोगा से बदसलूकी और मारपीट का आरोप। भोजपुर थाने में तनाव दारोगा अमित ने कुछ महीने पहले आरिफ मलिक की गिरफ्तारी की गई थी। बागपत के रमारा के कंडेरा गांव में एक दलित मजदूर को जिंदा ला दिया गया। मजदूर को अस्पताल पर अज्ञात लोगों ने आग लगाई, जिसकी अस्पताल में दर्दनाक मौत हो गई। सीतापुर में चौथी जीत में नाबालिग से गैंगरेप किया गया। आरोपियों ने गैंगरेप के बाद गंभीर हालत की पीड़ित को रेलवे ट्रैक पर फेंका। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार। गौड़ा में 6 साल की बच्ची की रेत के बाद हत्या, पड़ोस में रहने वाले युवक ने किया वारदात को अंजाम। मौके पर पहुंची जांच की जुटी पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया है। गजराब के रनाही के मुसफाबाद गांव में 6 वर्षीय मासूम बच्ची से उसी के पड़ोसी ने रेप किया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वाराणसी के सिंगा थाना क्षेत्र के अंबालिका नगर कॉलोनी में सुपारी कारोबारी खनीम को बदमाशों ने लूट की, से गोली मार दी, उसका अस्पताल में इलाज जारी है। आजमगढ़ के पठान टोला मोहल्ले में होटल व्यवसायी के घर में पत्नी को गला रेत कर मौके हाथ गाड़ा और एक हाथ में छुरा और दूसरे हाथ में बोतल देकर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। आगरा थाना शागर क्षेत्र में अपनी नाबालिग बेटी को दबंगों से चंगों से छुड़ाने पर पिता की दबंगों ने जान ले ली, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी की तलाश तेज हो गई है। मेरठ के थाना कंकरकेड़ा इलाके में खिरवा रोड पर पैसों के लेन देन पर प्लॉट को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने 2 युवकों पर गोलियां बरसाई, उन्हें गंभीर तौर पर अस्पताल में भर्ती। कानपुर के बिछोर के पास ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क के कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने पार्क के गेट पर शव रखकर प्रदर्शन किया, पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाया बुझाया। सीतापुर में एक शख्स ने खुद ही पत्नी सहित 3 बच्चों को धारदार हथियार से काट दिया, जिससे पत्नी सहित एक बच्ची की मौके पर मौत हो गई, 2 जख्मियों को अस्पताल में एडमिट किया गया। महाराजगंज जिला मुख्यालय पर नगर में एक मैरिज हॉल में तिलक समारोह के दौरान सपा नेता ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, गनीमत की अभी भी हताहत नहीं हुआ। बुलंदशहर में 8 साल के मासूम बच्चे को घर में कैद कर पीटा, इस बच्चे और अथाथियों से मात्र 56 रुपए कीमत की गेहूं की बालियां चोरी कर ली। मैनपुरी में प्रेमी जोड़ा आपत्तिजनक हालत में देख जाने के बाद पहले लड़की के परिवारों ने दोनों को भी मौके पर जमकर धुनाई की, उसके बाद घसीटते हुए गांव तक ले गए प्रेमी को, फिर उसे पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा। फतेहपुर के अमौली ब्लॉक के सरहन बुजुर्ग गांव में वायरल फीवर के प्रकोप में सैकड़ों लोग बीमार, बीमारी की चपेट में आने से मासूम बच्चे सहित 2 लोगों की मौत भी हो गई है। और अरैया के दोना कोतवाली में एक पति ने अपनी पत्नी को इतना पीटा कि उसका गर्भपात हो गया। गाजियाबाद में पानी की भारी किल्लत, गर्मी में पानी माफिया खूब फूल फल रहे हैं और दूषित पानी लोगों के घर मोटी रकम में बेच रहे हैं, दूषित पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। आगरा में सीडब्ल्यू के ठेकेदार के घर बदमाशों ने जमकर तांडव किया, घर के मुखिया की जमकर मारपीट कर लाखों का माल लेकर फरार हुए, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अब तक की जांच में पुलिस इस घटना को रंजिश मान रही है। लखनऊ के ट्रांस गोमती क्षेत्र में लूट चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद उसके कब्जे में भारी मात्रा में चोरी की गई सामान बरामद करने का दावा किया है।
मऊ का चर्चित हीरो शोरूम विरोध से फतेह खान मामले में पुलिस 12,000 रुपए के इनामी बदमाश को दो साथी के साथ गिरफ्तार किया। हापुड़ थाना नौराना क्षेत्र के गंगनहर के पास दो दिन पहले हुई सहकारी समिति के सचिव से 1,00,000 रुपए और बाइक की लूट का पुलिस ने खुलासा किया। एक बदमाश गिरफ्तार। गौड़ा के उठा रेस्टोरेंट से प्रशासन खाद्य विभाग से टैक्सी सहित तीन छापेमारी से हड़कंप मचा। खाद्य पदार्थ में मिलावट ओवररेटिंग की डीएम आशुतोष रंजन को शिकायत मिली थी। गौरतलब है शादी समारोह में गिरा छक्का हिस्सा। बर्गर में दबने से 15 लोग जो है वो जख्मी हुए। अस्पताल में कराया गया सभी का इलाज। शामली में बिजली विभाग की लापरवाही से एक लाइनमैन की मौत। हादसा सदर कोतवाली के सिंभालका गांव का। देवरिया से बिहार के सीवान और गोपालगंज में शराब की बिक्री जोर शोर से जारी। यहां बिहार देवरिया की सीमा पर 7 सरकारी शराब की दुकानें जहां पर कोई चेक पोस्ट तक नहीं है। बिना किसी चेकिंग के शराब की बिक्री धड़ल्ले से होती है। कानपुर के बर्रा थाने में पुलिस अभिरक्षा में एक युवक ने जहर खा लिया। अनुसार में निजी अस्पताल में उसको एडमिट किया गया। बुलंदशहर में एक लालची दूल्हा उसका परिवार शादी से ठीक एक दिन पहले फरार हो गया। अब दूल्हे के परिवार ने दहेज की मांग को लेकर शादी से किया इनकार। मुरादाबाद के पाक बड़ा क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप के सामने सड़क के पार रखे प्लास्टिक की पाइप्स में आग लग गई। 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत की बाद आग पर आखिरकार काबू पा लिया। बांदा के मतौंद थाना क्षेत्र के अचरौर गांव में आग से गदन मचा दिया है। लोगों के रिहायशी मकान और करोड़ों की संपत्ति जलकर स्वाहा। गोहरा के नदीपुर कोतवाली में अचानक खेतों के डंठल में लगी आग ने विकराल रूप लिया। आप देख सकते तस्वीरों को जहां 40 से ऊपर घर जलकर स्वाहा। संतकबीर नगर जिले में कई जगहों पर गेहूं की फसल में आग लगने से हड़कंप। लाखों की संपत्ति यहां पर लाखों की जो फसल है वो स्वाहा हुई। कई किसान परिवार बेघर हुए। आग ने कई घरों को भी अपनी चपेट में लिया। मुख्य थाना ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में एक फोम फैक्ट्री में भीषण आग जिसमें लाखों का सामान स्वाहा। फिरोजाबाद में शिकोहाबाद एनएच 2 के पेट्रोल पंप के पास की दुकान में आग लगने से हड़कंप। आग ने पेट्रोल पंप पकड़े रोड को भी अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। मिर्जापुर के सिटी कोतवाली में मकान की दीवार मजदूर पर गिर गई जिससे मजदूर की मौके पर मौत। लखनऊ में हुए 3 हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। जख्मियों के इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। गुटरोड़ा के परी चौक में एक तेज रफ्तार कार ने कहर बताया 3 लोगों को रौंद दिया। हादसा देर रात का। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में वॉल्वो बस से नियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर रह गई। दौड़े आए बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। नोएडा में फास्ट डिजाइन कॉलेज एसबीआई में छात्रों ने कैंपस में तोड़फोड़ की। छात्रों का कहना है कि कॉलेज पिछले कई महीनों से डिग्री के नाम पर बेवकूफ बना रहा है। लखनऊ आदिवासी व्यवसाय शिक्षक जागरूक मंच के आह्वान पर धरना प्रदर्शन हुआ। अपनी 5 सूची मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर गए लोग। अलगढ़ में नवा सत्र शुरू होने साथ ही शराब और बियर की दुकानों का विरोध जोरों से जारी। फिरोजाबाद के संतनगर में जारी का प्रकोप जारी है। 2 दर्जन इसकी चपेट में। मैनपुर में जिला अस्पताल में न बेड है न सफाई कर्मी है न फरियाद डॉक्टर्स हैं। लोग परेशान। बलरामपुर में पानी का संकट घेरा रहा है। पानी के लिए त्राही माम कुएं नलकूप सूख गए। सिंचाई के लिए पानी नहीं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्रावास में रह रहे छात्र भीषण गर्मी से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। मनोहर में ग्राम पंचायतों के सभी कामों को ऑनलाइन कर दिया गया। एक आईडी बनाई जाएगी। एनआईटी श्रीनगर में पुलिस बर्बरता का शिकार छात्र हर्ष अपने घर कानपुर गया तो माता पिता की आंखें बनाई। हर्ष ने बताया तिरंगा फहराने वाले पापा की जय बोलना कितना भारी पड़ा। इलाहाबाद में त्रिवेणी के तट पर दारागंज पुलिस संगम चौकी पुलिस सजल पुलिस संयुक्त रूप से सफाई अभियान चलाया। मैनपुरी में भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जिसमें नेमपुर नेम कुमार का वैराग्य नाचिका का मंचन हुआ। अर्थ का आखिरी स्थान आज हरिद्वार में डोलियों के पहुंचने का सिलसिला जारी। आखिरी स्थान में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद किए। तुतुपुर राजीव राय शनानी रावत ने पूर्व हरीश रावत सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। शनानी ने कहा कि रावत साहब और स्पीकर कुंजवाल पर मैं निशाना साधती हूं। उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ित व्यापारियों की हत्या के लिए रावत सरकार दोषी। विकासनगर में 10 महीने पहले हुए शारी राम हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। मृतक के भतीजे को गिरफ्तार किया। हरिद्वार में ज्वालापुर पुलिस लोगों से लाखों की ठगी करने वाले 4 छात्र तांत्रिक ठगों को गिरफ्तार किया। रुकी के लखसर के शेखपुरी गांव में बाइक सवार 2 बदमाशों ने खनन कारोबारी पर ताबड़ तोड़ फायरिंग की। 2 लोग जख्मी। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के विकासपुरी में गौशाले में अचानक आग लग गई। बकरियां 3 झुलस गई। रुकी के झबरेला इलाके में एक फार्मा कंपनी में सिलेंडर फटने से भीषण आग जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर तौर पर जख्मी। अस्पताल के अंदर डॉक्टर की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप। डॉक्टर्स अपना कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। श्रीनगर में डॉक्टर कार्य बहिष्कार पर गए। जसपुर में डॉक्टर की हत्या के विरोध में प्रदेश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर गए हैं। लोग परेशान।
जसपुर में अस्पताल के अंदर हुई डॉक्टर की हत्या के मामले में अल्मोड़ा में भी डॉक्टर्स ने आकस्मिक सेवाओं पर बंद कर दिया है। बागेश्वर में भी डॉक्टर्स ने आक्रोश दिखाया और डॉक्टर्स की मांग है कि आरोपियों को गिरफ्तार करो नहीं तो सेवाएं ठप रहेंगी। जसपुर में हुई चिकित्सक की हत्या का असर रामनगर सेवाओं पर भी दिखा। यहां पर भी लोग परेशान है, अस्पताल सुनसान है, डॉक्टर सुनने को राजी नहीं, लगातार इंसाफ की मांग करते डॉक्टर्स। जसपुर में हुई डॉक्टर की हत्या के मामले में रुड़की के चिकित्सकों में भी भारी रोष है। सिविल हॉस्पिटल में घुसाए डॉक्टर्स ने ओपीडी के साथ साथ तमाम सेवाओं को ठप्प किया। जसपुर में डॉक्टर की हत्या के विरोध में हल्द्वानी में डॉक्टर्स की हड़ताल, बेस अस्पताल में डॉक्टर्स ने ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं को पूरी तरह बंद किया। कार्रवाई न हो इस डॉक्टर्स में गुस्सा है। चमोली में भी कमोशी हालात, हड़ताल पकड़े डॉक्टर्स, मरीज परेशान। डॉक्टर की हत्या के विरोध में सभी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं बंद है चमोली में, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जसपुर का ये पूरा मामला मरीजों में लगातार हाल खराब है। हल्द्वानी में पिछले दो दिन से एक दर्जन से ज्यादा लोग पानी के संकट से परेशान है। 4 लाख से ज्यादा की आबादी के शहर में महज 5 टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है जो नाकाफी है। श्रीनगर में कई हिस्सों में पेयजल का संकट, पौड़ी के कई जनपदों में सरकार ने पेयजल योजनाएं स्वीकृत तो की लेकिन वक्त पर उनका निर्माण कार्य हो न सका। कोटद्वार के कुंभी चाय जीतपुर के लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। जल संस्थान की लापरवाही के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। अल्मोड़ा में उद्देश्य पार्किंग में भारी 2.5 लाख कैमरास को लगाया लेकिन बिजली का कनेक्शन देना भूल गए। अधिशासी अधिकारी ने कहा पार्किंग के लिए नए टेंडर्स की बात, बोले जिस व्यक्ति का टेंडर होगा वही बिजली का कनेक्शन लेगा। पहले जहां सिलबट्टे में मसाले जैसे आते थे वहीं अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स उनकी जगह ले चुके हैं। ऐसे में काशीपुर में चैती के मेले में हर साल आने वाले कारीगरों ने भी इसका निराशा हाथ लगी। रोजी रोटी का जरिया भी विलुप्ति की कगार पर है लोगों का। रुद्रपुर में 4 धाम यात्रियों की तैयारियां मुकम्मल लेकिन बद्रीनाथ हाईवे पर खतरा मंडरा रहा है। स्लाइडिंग जोन मुसीबत बन सकती है। पिथौरागढ़ में 2 साल पुरानी बैराग नगर पंचायत में न तो कभी चुनाव हुए न ही कोई नगरीय सुविधाएं यहां पर इलाकों को मिल पा रही है। ग्राम उदय से बाहर उदय अभियान के तहत नैनीताल में सूचना संचार रथ यात्रा का शुभारंभ। रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई के प्रति जागरूक कराना। जागेश्वर मंदिर समिति और जिला प्रशासन की रही पहल, मंदिर परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए होटल स्वामियों को भी कूड़ा निस्तारण का प्रशिक्षण दिया गया। विकास नगर में समाज शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए शिक्षा स्वराज यात्रा निकाली गई। यहां नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को शिक्षा का महत्व बताया गया। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से देव डोलियां गंगा स्नान के लिए पहुंचेंगे ऋषिकेश, श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। सऊदी अरब सरकार के अमेरिकी निवेश दृष्टि से वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ सकती है। व्हाइट हाउस ने बताया कि सऊदी अरब सितंबर 2011 की फिटों की $750 अरब की अमेरिकी परिसंपत्तियों को बेच सकता है। देश में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर सरकार को आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने आगाह किया था कि अर्थव्यवस्था के उन्माद में सरकार न रहे, अब लंबा सफर तय करना है। अपने ग्राहकों को 30 साल पुराने वाले डिलीट किए जा चुके मैसेज उपलब्ध करवाने की सुविधा देने जा रहा है। इसके तहत ग्राहक अपने पुराने ईमेल भी भर सकेंगे। ओला कंपनी ने ऐलान किया कि और इवन यूजर के दूसरे फेज के लिए तहत 22 से 29 अप्रैल को उसकी शटल बस सेवा में यात्रा निःशुल्क होगी। और इवन का फायदा इस फर्स्ट क्लास सर्विस को मिला। कंपनी ने इस हफ्ते रिकॉर्ड तो 26.7 लाख किलो प्रतिदिन के हिसाब से गैस बेची। मोटरला के सबसे मजबूत स्कूल वाले मोरो एक्सपोर्स में भारी डिस्काउंट मिल रहा है। इसके तहत आप 16,000 रुपए तक की छूट पा सकते हैं। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि HDFC ने कहा कि अगर बाजार का हालात सामान्य रहे तो वो सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से अपने जीवन बीमा इकाई में 10% हिस्सेदारी दे सकते हैं। जेल में सेल्फी खींचे पकड़े जाने पर अब जेल के साथ 2,000 रुपए का जुर्माना भी आपको भरना पड़ सकता है। जिमी शेरगिल, मनोज बाजपेयी, दिव्य दत्ता, अभी ट्रैफिक फिल्म का ट्रेलर ट्रैफिक सिग्नल को दिखाया जाएगा। फिल्म मार्केटिंग के क्षेत्र में इसे एक नया प्रयोग माना जा रहा है। सनी लियोन के अकॉर्डिंग फिल्म वन नाइट स्टैंड को भी नया गाना रिलीज हुआ। गाने को आवाज दी है जुबिन नौटियाल ने। श्रॉफ श्रद्धा कपूर स्टार फिल्म बागी का एक और गाना रिलीज, गाने की आवाज दी है अंकित तिवारी ने। 29 अप्रैल को रिलीज होगी मूवी। अब देवगन को बागी मजद विध्वंस पर आधारित एक फिल्म का ऑफर मिला है जिसे कभी नाम से गाया जाएगा। फिल्म का निर्माण सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चीफ प्रहलाद नेहलानी करेंगे। बिपाशा बसु करण सिंह रोमा 30 अप्रैल को शादी के बंधन में बनने वाले हैं। 29 अप्रैल को बिपाशा की मेहंदी है और ये मेहंदी सेरेमनी पिंक फूल से गुजार होने वाली है। वेन्यू से लेकर हर चीज गुलाबी। बॉक्स ऑफिस पर आनंदी पुड्डा से फिल्म लाल रंग रिलीज हुई है। शाहरुख खान, आलम दयाल राय की अगली फिल्म में बौने का किरदार निभा रहे हैं। हृदय सिद्धवानी, फरहान अख्तर और करण जौहर की फिल्म बार बार देखने का फर्स्ट लुक जारी हुआ।
अमिताभ डायरेक्टर शुरू सरकार की फिल्म पिंक में नजर आएंगे। हाल ही में बिग बी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए अपना लुक भी रिवील किया। प्रेम रतन धनपाल फिल्म में सलमान के साथ काम कर चुकी स्वरा भास्कर अब शाहरुख खान के साथ काम करने की इच्छा रखती हैं। स्वरा की हाल में रिलीज हुई फिल्म मिल बटे सन्नाटा।